पुलिस की कार्यवाही में रोड़ा बन रहे उन्हीं के सिपाही उमेश, चौकी जाने पर पीड़ित से कर रहे अभद्रता। आपको बताते चलें कि थाना महाराजपुर पूर्वामीर चौकी क्षेत्र अंतर्गत सिकटिया पूर्वा निवासी नन्नू सिंह की दो लड़कियां आज से 3 माह पहले घर से गायब हुई थी, जिसकी जांच पूर्व चौकी इंचार्ज योगेश जी देख रहे थे। उनके तबादले के बाद नए चौकी इंचार्ज संतोष सिंह चंदेल ने शुरू की। पीड़ित ने बताया कि वह जब थाने कार्यवाही की जानकारी के लिए जाता है तो वहां मौजूद सिपाही उमेश उससे अभद्रता करते हैं और गालियां भी देते हैं। साथ ही पीड़ित ने बताया कि जब थाने से फोर्स दबिश के लिए जाती है तो उसकी जानकारी उमेश दूसरे पक्ष को पहले से कर देते हैं। सूत्रों की जानकारी के अनुसार वर्दी के रौब में उमेश चौकी क्षेत्र में हनक दिखाता है और बोलता है कि जहां बोलना है बोल दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा मेरा ट्रांसफर ही करवा सकते हो। बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां पूर्व और वर्तमान चौकी इंचार्ज इस केस में अपनी जान लगा रहे हैं, वहीं मौजूद सिपाही उमेश उनकी कार्यवाही में लगातार रोड़ा बन रहे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी पीड़ित ने महाराजपुर थाना एसओ को भी दी है। अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। आपकी लड़कियों को गायब हुए कितना समय हो गया? 3 महीने 1 दिन हो गया हमारी लड़कियों को गायब हुए यहाँ से। पुलिस ने अभी तक आपकी क्या सहायता की? पुलिस क्या सहायता की, यही कहा कि 10 दिन में मिलेंगी, 8 दिन में मिलेंगी। हम थाने जाते हैं, चौकी जाते हैं, एसएससी ऑफिस 2 बार गए, सीओ साहब के लगे गए, यही बताते हैं कि 2 टीम छोड़े, 3 टीम छोड़े, 5 टीम, आज तक कुछ नहीं लगा पाया लड़कियों का। हम बहुत परेशान हैं, दिन भर दौड़ते हैं। एफसी साहब के यहाँ गए तो बोले कि आज पहली बार 8 दिन में लड़कियाँ मिलेंगी, सीओ साहब के लगे गए, दिन भर दौड़ते रहते हैं। उस दिन हमको एक भोला ने गाली दे रहे थे माँ बहन की, चौकी जाते हैं तो उन्हें दीवान भी गाली देते। भोला कौन है? भोला राहुल के चाचा हैं, लड़के के चाचा, गाली देते हैं। उसके बाद उस दिन उमेश दीवान कह रहे थे भोसोई क्या तुम्हारा घर है, लड़कियां ढूंढने ठेका ले भग जाओ यहाँ चौकी से, यहाँ दोबारा नहीं आना, चौकी ने 20 लट मारेंगे, भगा देते हैं, गाली बहुत देते हैं, उठपटांग परेशान करते हैं, कहते हैं कि आप पुलिस की गाड़ी में पेट्रोल में पैसा नहीं लगता है, फ्री का आता है उमेश। ये उमेश कौन है? उमेश सिपाही है पुरवा मीर चौकी के। अच्छा। गाली बकते हैं, ऊपर से हड़कते हैं, हमारी दुल्हन गई तो कहें मैडम तुम क्या कर लोगे, ट्रांसफर ही करा दोगे, हमारा करोगे क्या, चले जाएंगे क्या, हमारे बाप के यहाँ जागीर है, और भंगड़ आए तो भंगड़ से कहें भग जाओ नहीं जेल चले जाओगे, घर पे ताला लगा फरार हो जाओ, पुलिस उनको जेल भेज देगी। घर वाले ताला लगा के फरार हो गए, किसी को पता ही नहीं कहाँ चले गए, उन्हें दद्दू ने भगा दिया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तक गिरफ्तारी किसी में नहीं हुई, सिर्फ राहुल की माँ की और सुशील कुमार की माँ की, खाली 2 जने गिरफ्तारी हुई है, और उमेश दद्दू ने भगा दिया सबको, सबको ही फरार है, घर पे ताला लगाए, और हमको गाली दे रहे थे, बोले क्या तुम्हारा घर है, दिन भर चौकी आते हो बार बार, अब नहीं आना नहीं 20 लट मारेंगे। ये कौन बोल रहा था? उमेश सिपाही बोल रहे थे हमसे कि अब चौकी नहीं आना, भंगर से कह रहे थे ताला लगा चले जाओ घर छोड़ के, नहीं तो पुलिस जेल करेगी, कहीं लुक जाओ, पुलिस को पकड़ा ही नहीं देना, उमेश दीवान कह रहे थे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।